आई हैव ऑलरेडी शॉट फॉर वन मोर म्यूजिक वीडियो विद जैस जलदार, और वो एक सैड सॉन्ग है, और इतना अच्छा सॉन्ग है, इतना खूबसूरत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, पंजाबी सॉन्ग है, एंड गेस व्हाट, पंजाबी सॉन्ग मुझे बाय हार्ट हो गया है. इसका मतलब वो सॉन्ग इतना प्यारा है, एंड इट्स अ सैड सॉन्ग, सो या मेरे दिल के वो सॉन्ग बहुत करीब है. आई कांट वेट टू शेयर द फर्स्ट लुक. लव फ्रॉम बिहार, सिमरन राजपूत, हेलो डार्लिंग, हाय. लव फ्रॉम गाजियाबाद, हाय. लव फ्रॉम हिमाचल, हाय. आयशब, हाय. सानिया शाह, हाय, हेलो. निधि, तुम अभी तक यहीं पे हो? हेलो निक्की मैम, बिग फैन, प्लीज स्पीक इन मराठी वंस. मराठीत मी काय बोलू, तुम्ही मला मराठीत मेसेज पाठवा, मग मी मराठीत बोलते, काय बोलू मराठीत. हेलो गाइस, लव फ्रॉम पाकिस्तान, वाव, दॅट्स लवली. हाय गाइस, हाय हाय. हेयर डिजाइन रुबीना ने किया? नहीं, दिस हेयर ये रुबीना ने कहा, रुबीना इज इन आगरा शूटिंग, ये मैंने ही किया है. निक्की तंबोली फैन क्लब दी, लव यू सो मच. आई लव यू गाइज, आई लव यू सो मच. टेल माई नेम निक्की, लव फ्रॉम हैदराबाद. एजाज, व्हाट्स योर नेम? एजाज, एजाज, हाय. सिद्धू मूसेवाला के साथ कब सॉन्ग आ रहा है? Nothing to say about this, but touch wood, things will be at the right place soon. So yeah. Hi all Nikkians. Hello, hello, hello. मैम बिग फैन फ्रॉम यूपी. सो बेसिकली आज मैं लाइव आई हूँ सिर्फ अपने फैंस के लिए, सो आई एम नॉट गोना टॉक मच, एज आई हैव ऑलरेडी रिवील्ड अबाउट माई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. आई एम डूइंग 3 म्यूजिक वीडियो एज वेल एज आई एम डूइंग अ ह्यूज प्रोजेक्ट. वो 10 दिन के अंदर मैं रिवील कर दूंगी, अभी मुझे कोई रिवील नहीं करना. सो नाउ आई एम जस्ट गोना इंटरेक्ट विथ माई फैंस. हाय हाय हाय. वेन विल सी योर मॉर्निंग वाला डांस निक्की दी? स्नेहा, स्नेहा अंगी. ओके, मेरा म्यूजिक, मेरा मॉर्निंग डांस आप बहुत जल्दी देखोगे जब मेरा सॉन्ग रिलीज हो जाएगा. मैं अपने पेज पे बहुत जल्दी रील डालूंगी, ठीक है, विथ माय मॉर्निंग डांस. ओके, आर यू गोइंग इन? सो माई निक्की तंबोली फैन क्लब दे आर आस्किंग मी, आर यू गोइंग इन खतरों के खिलाड़ी? आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू आर गोइंग इन. पता नहीं गाइज, अभी रुको तो ज़रा, अभी क्या सब अभी बोल दूँ क्या, रुक जाओ ना ज़रा, ठीक है. ओके, सो अदिति खुराना इज आस्किंग मी, वेन इज योर सॉन्ग विथ टोनी कक्कड़ कमिंग? अच्छा, माई सॉन्ग विथ टोनी कक्कर विल बी आउट सून. अभी थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड क्वारंटीन एंड लॉकडाउन के वजह से काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है बहुत डीले हो रहा है रिलीज के लिए. बिकॉज द सॉन्ग विच आई हैव डन विथ टोनी कक्कर, वो बहुत हैपनिंग है और हमें लॉकडाउन में रिलीज नहीं करना है, यू नो, तो बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा. यू आर द ट्रू विनर ऑफ बिग बॉस. ओह थैंक यू. लव फ्रॉम बांग्लादेश, हाय, थैंक यू. नेहा कोहली, हाय हाय. आई हैव टू सी व्हाट ऑल यू सेइंग रियली. निधि, ओके, सो लवली बॉय राम, हाय. सो यू आर फ्रॉम, आई एम फ्रॉम आंध्र वाइजैक. ओ, यू आर फ्रॉम वाइजैक, हाय हाय राम, हाय, हेलो. लव फ्रॉम अहमदाबाद, थैंक यू. वेर इज राहुल? मुझे क्या पता होगा वेर इज राहुल, तुम लोग कुछ भी पूछते हो क्या? वेर इज राहुल, वेर इज जान, अरे मुझे क्या पता होगा वो क्या कर रहे हैं. मुझे मेरे बारे में पूछो, इसके उसके बारे में मत पूछो. ओ गॉड, यू गाइस आर सो फनी.
फेवरेट कंटेस्टेंट इन बिग बॉस एवर? नन अदर देन सिद्धार्थ शुक्ला. खतरों के खिलाड़ी के बारे में कुछ बोलो प्लीज. अरे यार मैं क्या बोलूँ, मुझे बहुत डर लगता है ये सब चीज़ों से, लाइक कीटाणु एंड कॉकरोच एंड लिजार्ड और हाइट और बीचेस और पानी, इन सब से मुझे बहुत डर लगता है, यू नो. तो अभी देखते हैं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, आई लेट यू नो सून, बट मुझे बहुत डर लगता है. मैंने काफ़ी सारे स्टंट्स देखे हैं खतरों के खिलाड़ी में जो होते हैं, यू नो, लाइक हैट्स ऑफ टू ऑल द कंटेस्टेंट, जो भी जितने भी दिन टिके हैं, हैट्स ऑफ टू देम. क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर इनके इसमें जाती भी हूँ तो मैं उतना भी कर पाऊंगी, बिकॉज आई एम स्केयर्ड ऑफ एवरीथिंग. मुझे बहुत डर लगता है ये सब चीज़ों से. ओ गॉड, Oh, he's saying big fan from Bangkok. Abby, I can't wait to see you. Please, jaldi aa jao, Abby. I miss you so much. I miss you, Abby. I miss you. Yaar, Abby, I miss you. See, I started missing you now. Yaar, Abby, yaar, tum aise kyun karte ho, yaar? Well, Abby is my best friend, okay? Milind Gaba ke saath aapka song kab aa raha hai? ओके, सो मिलिंद गाबा के साथ मैंने रिसेंटली एक सॉन्ग शूट किया है, वो भी बहुत जल्दी आएगा. अभी तो शूट किया है, 2 दिन पहले ही शूट किया है, तो आई थिंक सो 1 महीने के अंदर आ जाएगा सॉन्ग. ठीक है, आर यू मिसिंग बिग बॉस हाउस, ये मुझे पूछ रही है व्रुशाल. ओके, आर यू मिसिंग बिग बॉस हाउस? या आई एम मिसिंग, समटाइम्स आई मिस द मेमोरीज, यू नो, गुड मेमोरीज. आई ऑफकोर्स मिस निकी एंड तनिका. कैन आई गेट अ हाई टू? I love you, Tanika. Hi. What about the movie with Namashi, Indian Fashion Factory? All right, guys. तो मेरे dates नहीं मिल रहे हैं. Like back to backs मेरे shoot already booked है. और because of my dates and also because of the COVID thing, हम लोग abroad में shoot नहीं कर पा रहे हैं. I was locked inside Big Boss house for 5 months. आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि 5 महीने में घर से बाहर ही नहीं आई. तो इस वजह से मेरे dates नहीं थे. अगर मैं Big Boss नहीं जाती तो definitely मेरी जो movie है वो shoot हो जाती. बट बिकॉज ऑफ दैट मैं डेट्स नहीं दे पाई और थोड़ा डीले हो गया. एंड अगेन माई नाउ डेट्स आर बुक्ड. आप लोग देख रहे हैं, बैक टू बैक आई एम शूटिंग, आई एम ट्रेवलिंग. तो नमाशी के साथ जो मेरी मूवी है उसको भी टाइम लगेगा, क्योंकि उसके डेट्स अभी मैं नहीं दे पा रही हूँ. बट डेफिनेटली बहुत जल्दी वो भी शुरू हो जाएगी. विराट, आई एम नॉट गोना रिप्लाई. अच्छा, विराट इज सेइंग व्हाई आर यू सो हॉट? आई डोंट नो. अब Ask my mom. I'll give you her number. You can ask my mom. अच्छा, जो भी लोग मुझे पूछते हैं ना, why are you so hot and ये and वो, तो मुझे कैसे पता इसका जवाब? I'll WhatsApp you my mom's number and dad's number. You can just call them and you can ask them. अब मुझे कैसे पता मैं इतनी hot क्यों हूँ? What? Oh God. Sensible पूछो ना आज कुछ सवाल. बिग बॉस में आपने धमाका ही कर दिया, आई लव यू, ये बोल रही है वर्षा मांडवी. अच्छा, मैंने धमाका कर दिया था बिग बॉस में? अच्छा, हाय हाय, यू आर क्यूट. थैंक यू, यू आर क्यूट, यू आर हॉट. बॉयफ्रेंड? नो बॉयफ्रेंड. हिना खान के मैम फादर के बारे में पता चला होगा आपको? ऑफकोर्स पता चला, आई वॉज शूटिंग, ऑफकोर्स मुझे पता चला. बहुत बुरा लगा, यू नो, बिकॉज हिना खान से एक थोड़ी बहुत बॉन्डिंग हो गई थी बिकॉज ऑफ बिग बॉस. तो आई फेल्ट वेरी वेरी बैड. एनी टिप्स फॉर हाउ यू मेंटेन योर स्किन? अच्छा, टिप्स हाउ आई मेंटेन माई स्किन? ओके, तो I drink lot of water, I hydrate myself, and then I use correct moisturizer, I use lot of serums. Okay, so मैं क्या करती हूँ, next जब मैं live आऊँगी ना, तो my काफ़ी सारे female fans जो है, female fans, उनको मेरे skin के बारे में जानना है कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ. तो next live video में I am gonna show you all my cosmetic products. वो यहीं पर पड़े हुए हैं,
इफ यू कैन सी ऑल माई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स. आई एम गोना रिवील कि वॉट फेस वॉश आई यूज, वॉट मॉइस्चराइजर आई यूज, वॉट नाइट क्रीम आई यूज, तो मैं सब उसके बारे में बताऊंगी. ठीक है, यू आर द रियल विनर फ्रॉम बिग बॉस. थैंक यू. आई एम फ्रॉम नेपाल. हाय हाय. हेलो हेलो. प्लीज से हैं वंस फॉर मी. हैं ओ गॉड. हाय एवरीवन. हाय 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 हाय. लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम जम्मू. थैंक यू गाइस. थैंक यू. थैंक यू. यार मैं ट्राई कर रही हूँ सबको हाय बोलने का. भी रोने का सिंबल मत भेजो. इतने लोगों को एक साथ कैसे हाय बोलूँ. हाय 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 हाय. Why did you not replying me? I am Shreya. Say Shreya one time. Hi Shreya. Hi. Hello. Want your long hair? Long hair? नहीं, मैंने कट कर दिया. बिग बॉस में मैंने कट कर दिया था. आई एम थिंकिंग कि मैं और थोड़ा सा शॉर्ट जाऊँ. इतना ये सूट करेगा क्या मुझे? गाइज लेट मी नो कि ये हेयर स्टाइल मुझे सूट करेगा क्या. मतलब शॉर्ट हेयर लाइक क्यूट प्रिटी प्रिटी. लेट मी नो. Is it easy to be in Big Boss house? Rubina Obsessed is asking me this. Is it easy? So guys, let me tell you, staying in Big Boss for 5 months, it's hell. It's very difficult. क्योंकि Big Boss is not a scripted show. वहाँ पे आपके पास दिमाग विमाग कुछ काम में नहीं आता. वहाँ पे सिर्फ काम में आता आप में कितनी स्ट्रेंथ है, आप में कितनी क्षमता है. जब लोग आपको खींचते हैं, पुल डाउन करते हैं, आप में कितनी क्षमता है कि आप उसे ले सकते हो. ओनली वही काम आता है. आप कितने स्मार्ट हो, कितने इंटेलिजेंट हो, आप में कितना बल है, वो कुछ काम में नहीं आता. हाउ मच शिट कैन यू टेक, वही काम में आता है. एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे देयर फॉर 5 months. आई नो बेटर. इट्स वेरी डिफिकल्ट. विच थिंक यू लाइक अबाउट योर फैन पेजेस? ओके, तो मेरे फैन पेजेस के बारे में मुझे ये पता चलता, ये अच्छा लगता है कि जब मैं शूटिंग पे रहती हूँ, कहीं भी रहती हूँ, तो वो मुझे अपडेट करते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. और कभी मुझे अपने पेरेंट्स की पिक्चर नहीं मिलती होंगी, या फिर मेरी एक अच्छे ड्रेस में अगर मुझे पिक्चर्स नहीं मिल रही होंगी, तो वो मुझे फटाक से भेज देते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट आई लव अबाउट माई फैंस कि दे कीप सपोर्टिंग मी, दे कीप लविंग मी. यू नो लाइक बॉन्ड बिटवीन मी एंड निकियंस एंड माई फैन पेज ये है कि वी हैव दिस अनकंडीशनल लव. नो मैटर मैं कितनी लो हूँ, नो मैटर लोग मेरे पे कितने कमेंट्स पास करे, दे ऑलवेज टेक अ स्टैंड एंड आई लव सच पीपल हु टेक अ स्टैंड, यू नो. या तो दिस इज वॉट आई लव अबाउट माई फैंस. लव फ्रॉम तमिलनाडु. ना तमिल ना चेन्नई. रंबो मिस पंड्रे. Oh God. Okay. Jyoti Bhatt, lots of love from Uttarakhand. Thank you. Kadhi Kajal is asking me, kadhi yenar aahe Aurangabad? Laukarat yete. Jasa mala time bhetel na, mi laukarat Aurangabad la pan yete. Ata sadhya mala time bhetat nahi hai. Manun mi Aurangabad la nahi yu shakat. Time mala jasa bhetel mi lagge chete, thik hai? Say my name, Jyotsna. Bubbly Nikki. Hi Jyotsna, I love you. Hi, hi, hello, hello. Harshu Queen is asking your age. Okay, so I'm 23 guys, I'm 23 years old. रिप्लाई तो कर दो. आई एम फ्रॉम दिल्ली. हाय विशाल. व्हाट, कोई तो पूछ रहा है प्लीज शेयर कोविड पॉजिटिव. व्हाट गाइस, आप लोग क्या लिख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा. हाय फ्रॉम पाकिस्तान. हेलो 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 हेलो. डू यू टॉक विथ रुबीना? ऑफकोर्स आई डू टॉक विथ हर. हेलो मैम फ्रॉम पंजाब. आई लाइक यू सो सो मच. थैंक यू काजल. थैंक यू सो मच. ओके सो आई वॉन्ट टू टॉक, मुझे आप सबको बोलना है एक चीज अबाउट दिस बैड सिचुएशन जो हो रहा है अबाउट द कोरोना वायरस. तो ओके सो लेट मी टेल यू दिस कि रिसेंटली मुझे कोरोना हो गया था. आई वॉज पॉजिटिव.
आप लोगों को जैसे ये सब पता ही है कि आई टेस्टेड पॉजिटिव और उसके बाद आफ्टर 14 डेज आई टेस्टेड नेगेटिव. तो आई एम गोना डोनेट, लाइक आई एम ओ पॉजिटिव, तो आई एम गोना डू दिस एक सेकेंड नेटवर्क डोनेट प्लाज्मा, क्योंकि आई एम ओ पॉजिटिव और काफ़ी लोगों को प्लाज्मा की ज़रूरत हो रही है. तो बिकॉज आई एम नाउ रिकवर, जो लोग कोरोना वायरस से रिकवर होके आते हैं, विद इन 15-20 डेज यू कैन डोनेट प्लाज्मा. तो आई एम गोना डोनेट प्लाज्मा इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सो दैट जितने भी लोगों के पास पैसे नहीं है यू नो टू गेट द प्लाज्मा, आई एम गोना डोनेट इट इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. तो आई वुड लव टू रिक्वेस्ट माई फैंस एंड माई ऑल माई लवली फैंस की अगर हो सकता है, अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए हो तो प्लीज़ प्लाज्मा डोनेट करो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको सच में ज़रूरत है प्लाज्मा की. तो प्लीज़ गाइज गो एंड डोनेट इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, याद रखना डू नॉट फॉरगेट इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ओके. और अपना ख्याल रखना क्योंकि द सिचुएशन इज़ वेरी वेरी बैड यू नो. और मैं अभी भी फुली रिकवर्ड नहीं हुई हूँ, मतलब मैं नेगेटिव हूँ बट फिर भी मेरे में वो स्ट्रेंथ नहीं है. तो इट्स बेटर एंड आई एम वेरी लकी, वी ऑल आर वेरी लकी, हमारे पास घर है, खाने के लिए चीज़ें हैं, कपड़े पहनने के लिए है, बेड है, बिस्तर है सोने के लिए. बट इमेजिन जो लोग रास्ते पे हैं उनके पास कुछ नहीं है. सो उनका भी आप लोग ख्याल रख सकते हैं और आप लोगों का भी आप लोग ख्याल रखिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, हाथ से ज़्यादा निकल गई है. तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि इट्स वेरी सैड टू हियर कि हमारे रिलेटिव्स को भी हो रहे हैं. आई वुड लव टू शेयर दिस विथ यू. माई ब्रदर, मेरा खुद का सगा भाई, वो फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है, ही ऑल्सो टेस्टेड पॉजिटिव. सो आई एम फीलिंग वेरी बैड, वेरी वेरी बैड. जो लोग अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब है. यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है. मतलब टच वुड ऐसे कुछ ना हो, बट इट्स वेरी बैड. रोज मुझे फोन आता है मेरे पेरेंट्स का, मुझे डर लगता है कुछ बैड न्यूज तो नहीं होगी. तो इसलिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू एवरी वन, जो भी ये लाइव देख रहे हैं, अपना ख्याल रखना, सिचुएशन इज वेरी बैड. पता नहीं कब किसकी डेथ हो जाए, यू नो. सो इट्स वेरी बैड एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. ऐसे पब्लिक प्लेसेस में मत जाओ, विदाउट मास्क मत घूमो. काफी लोग मुझे पूछते हैं कि वाई आर यू नॉट वेयरिंग मास्क मैम. तो यार When I take pictures, let me be very clear, क्योंकि मेरे को इरिटेशन होता है जो ये ट्रोल करते हैं ना. लेट मी टेल यू, जो सी आई एम ट्रैवलिंग विथ माई मैनेजर और वो मेरी फोटो क्लिक करती है, तो फोटो के लिए आई जस्ट रिमूव माई मास्क. मैं ऐसे झुंड में मास्क निकाल के नहीं घूमती हूँ. सो ये जो आपके दिमाग में जो ये भरा हुआ है ना कि निक्की तंबोली विदाउट मास्क घूम रही, इट्स नथिंग लाइक दैट. माई मैनेजर इज क्लिकिंग माई पिक्चर्स एंड देन आई अगेन पुट मास्क. तो इस गलत फहमी में मत रहिए कि हम लोग विदाउट मास्क घूमते हैं. नो, वी जस्ट रिमूव आर मास्क फॉर 1 सेकेंड, शी क्लिक माई पिक्चर एंड देन वी वेयर इट अगेन, यू नो. तो ऐसे बोल के प्लीज मुझे इरिटेट मत किया करो. तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन बहुत बैड है, बहुत ख़राब है. माई फैंस आर मैसेजिंग मी, मैम हमको कोरोना हो गया, हमको ये हो गया है. आई जस्ट होप ये बहुत जल्दी कोरोना चला जाए और आप लोग अपना ख्याल रखिए. मैम यू आर रियली वेरी काइंड, थैंक यू. आई नो आई एम वेरी काइंड. और क्या, हाय हाय हाय. प्लीज टेक माई नेम रौनक कोहली. हाय हाय रौनक, हाय 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 एवरीवन. सचिन जैन इज आस्किंग मी टू से तुम तो दिख ही नहीं रहे हो. ओ गॉड. हेलो निकी मैम, प्लीज से प्रियंका आई एम योर बिग फैन. हाय प्रियंका शर्मा, हेलो. हाउ यू रिकवर फ्रॉम कोविड? अच्छा, हाउ डिड आई रिकवर फ्रॉम कोविड? 14 डेज का क्वारंटीन किया, टाइम टू टाइम मेडिसिन लिया और ठीक हो गई मैं. गुस्से में कितने दिनों बाद देखा है. अच्छा ओके. निधि मैम आपकी BFF कैसी बनी? ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है, ये मैं अभी शेयर नहीं करूँगी.
बहुत लॉन्ग स्टोरी है. आई थिंक सो इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी. भगवान ने चाहा हम दोनों को मिलाना और हम बस मिल गए. ओके गाइज, नाउ आई एम गोइंग. ठीक है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई क्या? हाँ, मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम पहले इनिशियल डेज में बहुत हुई थी. सो मेरा क्या था, कोरोना में मैं एयरपोर्ट में आई वॉज जस्ट मतलब मैं परफ्यूम लगा रही थी, तो मैंने अपना स्मेल और टेस्ट ना मतलब मुझ हुआ ही नहीं. मतलब आई जस्ट रिमूव्ड माय परफ्यूम फ्रॉम माय बैग और मैंने स्प्रे किया, एंड देन आई सॉ कि मुझे स्मेल ही नहीं आ रहा. फिर मैंने कुछ खाया, आई थिंक सो एप्पल और समथिंग आई एट, फिर मुझे टेस्ट ही नहीं आया. तो मैंने कहा समथिंग इज रॉन्ग, स्मेल नहीं आ रहा, टेस्ट नहीं आ रहा. तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे मैं टेस्ट करवा लेती हूँ. और 8 o'clock मैंने मॉर्निंग में टेस्ट किया और उसके बाद आई वॉज आउट समवेयर. आफ्टर द टेस्ट आई वॉज आउट. फिर कॉल आता है कि मैम यू आर पॉजिटिव. फिर मैं घर भागी और फिर इनिशियली 10 दिन तो मतलब बहुत ख़राब थे. ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, इरिटेशन हो रहा था, एंड द वर्स्ट पार्ट इज मैं खुद खाना बना रही थी, खुद झाड़ू पोछा कर रही थी. हेक्टिक था मेरे लिए, बहुत बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन था मेरे लिए फॉर दिस 10 days इन कोविड. 11th day से मुझे ठीक लगने लगा. 11th day से आई वॉज लाइक फाइन, ठीक है. एंड 13th या 14th day आई टेस्टेड नेगेटिव. प्लीज डू अ फैंस मीट आफ्टर कोविड. डेफिनेटली आई वुड लव टू मीट माई फैंस. डेफिनेटली आई मीट देम. ओके गाइज, अब मैं चलती हूँ. इट्स बीन हाफ एन आवर. लवली टॉकिंग टू यू. आई कैच अप विद यू गाइज वेरी सून. जब ये लॉकडाउन हट जाए तो आई एम गोइंग टू कैच अप विद माई फैंस. ठीक है, तो फॉर नाउ टेक केयर. ठीक है गाइज, नाउ बाय. आई एम गोइंग. यू ऑल टेक केयर, स्टे सेफ. और अपने फैमिली का और अपने क्लोज्ड वन का